वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुछ न्यू फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया है। इसकी क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसमें आपको सुविधाएँ मिलेंगी, इस सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है क्या? ये एक पोस्ट ऑफिस में ही एक तरह का बैंक होगा जो आपके घर तक आपको सुविधाएं देगा, बैंकिंग सर्विसेज देगा। यानी पोस्टमैन आपके घर आएगा। अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका खाता खुला हुआ है तो अगर आपको पैसे जमा करवाने हैं या अगर पैसे निकलवाने हैं तो जो पोस्टमैन है वो आपके घर आएगा पैसे जमा करने और आपको देने भी, अगर आपको निकलवाने भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 रुपए डिपॉज़िट कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो। और 25,000 तक की अगर आपके अकाउंट में राशि है तो उस पर आपको 5.5% का ब्याज मिलेगा। 5.5% का ब्याज दे रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और अगर आप डेबिट कार्ड की बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एटीएम भी खुलेंगे। 5,000 ATM खोलने की बात रखी गई है इस जब भी लॉन्च हुआ है कल ये। और इसके 850-650 ब्रांचेज ओपन होंगी साथ में, और साथ में 3,250 इसके सेंटर होंगे, सर्विस सेंटर वो भी ओपन होंगे। तो अगर आप डेबिट कार्ड भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसका डेबिट कार्ड भी आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड भी आपको पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगा। तो 100 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई भी अकाउंट ओपन करा सकता है। बस 1,00,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं और 25,000 तक की रकम पे आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पेटीएम से तो ज़्यादा है लेकिन एयरटेल मनी से कम है। तो ये कुछ खासियत है इसमें। आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा पैसे जमा करवाने और निकलवाने के लिए, क्योंकि आप घर बैठे ही अपना आपका पोस्टमैन है जो वो आपका बैंक अधिकारी बन के आएगा, उसी को आप पैसे दे के जमा करा सकते हैं और अगर निकालने हैं तो वही आपको घर दे के जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ में जो बैंक वाले हैं जो वो चार्जेस लेते हैं एटीएम सर्विस का भी चार्ज लेते हैं और तरह के भी चार्ज लेते हैं, इसमें किसी तरह का चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर इसमें आप AEPS से फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 5 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप IMPS से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं इसमें तो आपको 2.5 रुपये का चार्ज लगेगा। और अगर आप नेफ्ट से 10,000 तक का फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो तकरीबन किसी ATM सर्विस है जो इसकी, उस पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो बस बहुत सारे फ़ायदे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। आगे देखते हैं क्या होता है। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।